ओम शांति। आप सबको बीके सुकुना के किचन में स्वागत है। आज हम लोग बिल्कुल हेल्दी केक बनाने जा रहे हैं, विदाउट ऑयल, विदाउट शुगर एंड विदाउट मैदा। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को एक कटोरी गेहूं का आटा चाहिए। उसमें हम लोग डालेंगे शुगर, तो हम लोग को नहीं लेना है। उसके बदले में हम लोग लेंगे गुड़। गुड़ भी हम लोग को एक कटोरी से थोड़ा सा कम चाहिए, 3/4 कटोरी चाहिए, क्योंकि ये चीनी से थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। और कोको पाउडर 2 चम्मच, ये आपका 5 चम्मच फ्रेश दही, 1/4 टीस्पून खाने का सोडा, ड्राई फ्रूट, कॉफ़ी 1/4 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, वैनिला एसेंस और 1 ग्लास दूध। पहले हम लोग कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल के उसमें गुड़ को हम लोग को मेल्ट करना है। तो उसमें हम लोग थोड़ा सा दूध भी डालेंगे, पानी और दूध। ग्लास में हम लोगों ने जो दूध लिया था उसमें से 1/4 ग्लास दूध हम लोगों ने डाल दिया और सारे गुड़ को भी डाल दिया। अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और हम लोग केक को हम लोग कढ़ाई में बनाएंगे, तो दूसरे साइड में कढ़ाई में नमक देके उसको गर्म करने के लिए छोड़ देंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये दूध में जो गुड़ हम लोगों ने ऐड किया है इसको अच्छे से हम लोग को मेल्ट करना है। और याद रखिएगा, मेल्ट करने के टाइम में दूध फटता है, तो इसीलिए आप लोग डरिएगा मत। ये फटने से अच्छा है, जब फटता है दूध तो आप लोग का केक जो हम लोग का बनेगा विदाउट ऑयल का, वो और ज़्यादा स्पंजी होगा। देखिए गुड़ हम लोग का ऑलमोस्ट मेल्ट हो गया है। अभी इसको हम लोग ठंडा करके केक का मिक्सचर बनाएंगे। तो ये आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करिए। ये डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, जो लोग डाइट कर रहे हैं उन लोग के लिए, सबके लिए बहुत ही हेल्दी है। और ये नॉर्मल केक जैसा ही होता है, बहुत स्पंजी होता है, बहुत सॉफ्ट रहता है, खाने में भी वैसे सेम टेस्ट ही आता है। आप लोग ट्राई करके मेरे को कमेंट में लिख के ज़रूर लिखिएगा। तो अभी हम लोगों ने ठंडा कर लिया हम लोग के गुड़ में सारे चीज़ हम लोग अभी धीरे धीरे डाल रहे हैं। दही डाला, फिर उसके बाद हम लोग जो गेहूं का आटा था उसमें कोको पाउडर, बेकिंग सोडा और खाने का सोडा, कॉफ़ी मिला के उसको छन्नी में एक बार हम लोगों ने चला लिया था, उसको इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करना है। हम लोग का ये जो बैटर है ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है मुझे, तो हम लोग इसको थोड़ा सा और ज़्यादा लिक्विड करने के लिए इसमें बाकी जो दूध हम लोग का है वो ज़रूरत के हिसाब से अब देख के डालिएगा, जैसे केक का मिक्सचर बनता है उस तरह से। तो ये हम लोग का गाढ़ा है, तो मैं इसमें और थोड़ा सा दूध डालूँगी। दूध डाल के इसको और थोड़ा सा इसका गाढ़ापन जो है उसको मेरे को कम करना है। देखिए मैंने दूध डाल दिया है, अभी इसको अच्छे से मैं फेंट लूँगी। फेंट के हम लोग को ये जो मिक्सचर है केक का, इसको 15 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। ऐसे नॉर्मल केक तो हम तुरंत बैठा देते हैं, लेकिन ये वाला केक, ये विदाउट ऑयल है, तो इसको हम लोग को 15 मिनट्स के लिए रेस्ट करना है। उसके बाद जाके हम लोग इसको बिठाएंगे। देखिए अभी मैं इसमें 1 चम्मच वैनिला एसेंस डाल रही हूँ। आप आपके हिसाब से कोई भी एसेंस ले सकते हो, आपको जो पसंद है। तो मेरे पास अभी वैनिला एसेंस है इसीलिए मैं वो डाल रही हूँ। अभी मैं अच्छे से इसको फेंट दूँगी। उसके बाद जितने सारे ड्राई फ्रूट्स हम लोगों ने लिया था उसमें से आधा इसमें डालूँगी, और जब केक बिठाऊँगी तब उसमें डालूँगी। तो आप ये केक को माइक्रोवेव में भी कर सकते हो, बेकिंग ओवन में भी कर सकते हो, लेकिन जिन लोग का नहीं होता है ये सब, तो मैं इसीलिए कढ़ाई में आज आप लोग को सिखाने जा रही हूँ। ड्राई फ्रूट डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया, अभी इसको 15 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी। आप मेरे नए नए वीडियो को देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट भी कीजिए। अभी मैंने बेकिंग डिश में ये मिक्सचर को ट्रांसफ़र कर दिया है थोड़ा सा ग्रीस करके, फिर इसके ऊपर हम लोग बचे हुए ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे, तो इससे केक दिखने में भी अच्छा लगेगा। आप आपके हिसाब से मनपसंद ड्राई फ्रूट सब कुछ डाल सकते हो। देखिए हम लोग का ये नमक भी गर्म हो गया है,
तो नमक के ऊपर हम लोग एक प्लेट को उल्टा करके रखेंगे और उसके ऊपर ये बेकिंग डिश को रख देंगे। रख के इसको ढक्कन लगा के सीम आंच पे बिठा देंगे गैस पे। ये कम से कम आपका 45 to 50 मिनट्स लगता है, आप बीच बीच में थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। और ये देखिए कितना मेरा केक रेडी भी हो गया है, 45 मिनट्स हो गया। मैं काट के आपको दिखा रही हूँ कितना स्पॉन्जी है केक, आप लोग देख सकते हो। और मेरे चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और मैं नया नया डिशेस ऐसे दिखाते रहूँगी। ओम।